अभी त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है। 3 अक्टूबर से नवरात्रि और महीने के अंत में दीपावली। लोगों के घर का खर्च त्योहारों में बढ़ने वाला है, लेकिन सरकार ने त्योहारों से पहले ही महंगाई का जोरदार झटका दे दिया है, वो भी महीने के पहले ही दिन। ऑयल कंपनियों ने 1 अक्टूबर से एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। मंगलवार को सुबह सुबह एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा किया गया है। हालांकि इस बार भी एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफा 19 केजी वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर में ही किया गया है। ऑयल कंपनियों ने 14 केजी वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया है। कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अब नई कीमतें भी सामने आ गई हैं। राजधानी दिल्ली में 19 केजी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1691.50 रुपए से बढ़कर अब 1740 रुपए प्रति सिलेंडर हो गई है। राजधानी दिल्ली के अलावा अन्य महानगरों की बात करें तो मुंबई में 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत सितंबर महीने में 1605 रुपए से बढ़कर 1644 रुपए की गई थी, इसे एक बार फिर से बढ़ाकर 1692.50 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा कोलकाता में अब तक 1802.50 रुपए में मिल रहा था, लेकिन अब ये सिलेंडर 1850.50 रुपए हो गया है। राहत की बात यह है कि एक और जहां 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में लगातार चेंज देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने लंबे समय से घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। मुमकिन हो राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते ऐसा नहीं किया जा रहा हो, चुनाव होते ही यहाँ भी महंगाई की मार पड़े। लेकिन फिलहाल दिल्ली में एक सिलेंडर की कीमत 803 रुपए, कोलकाता में 829 रुपए, मुंबई में 802 रुपए और चेन्नई में 818.50 रुपए है। महंगाई की मार के बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर जोरदार हमला किया है। राहुल गांधी ने अपने बयान को अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से शेयर करते हुए लिखा है, मोदी जी गरीबों की जेब से तूफान की तरह पैसा निकालकर सुनामी की तरह अडानी जी की तिजोरी में डाल रहे हैं। मेरा लक्ष्य है जितना पैसा उन्होंने अपने मित्रों को दिया है उतना ही पैसा मैं हिंदुस्तान के गरीबों, शोषितों और वंचितों को दूंगा। खैर, त्योहारी सीजन में जो जोर का झटका धीरे से मिला है उसका असर आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ेगा, क्योंकि बाजार में जो कुछ भी महंगा होता है उसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर ही पड़ता है।